हरियक वंश जिसके संस्थापक थे बिंबिसार ईसा पूर्व 545, करीबन 80,000 से भी ज़्यादा गांव थे इनके पास। उन्होंने अपनी राजधानी बना के रखी थी गिरिव्रज राजगिरी, और कहा जाता है कि मगध के वास्तविक संस्थापक थे वो। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों के द्वारा किया था, जिसमें मुख्यतः कौशल, वैशाली, पंजाब का इंक्लूड किया जाता है। उनकी पत्नी में सबसे पहले तो देखा जाए तो प्रथम पत्नी थी लिच्छविनी के गण राजा चेतक की पुत्री चेलन्ना के साथ उनका विवाह हुआ था, जिसके पश्चात उन्हें दो पुत्री हुई थी, हल और बेहल। उनकी पत्नी थी भद्रदेश की राजकुमारी क्षेमा, और इक्ष्वाकु डायनेस्टी की कौशल राजा प्रेषनाजीत की बहन महाकौशला के साथ। दहेज में उन्हें 1 लाख राजस्व वाला गांव मिला था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर गिनी जाए तो वो प्रथम स्थायी सेना रखने वाले गिने जाते थे। बुद्ध के मित्र और संरक्षक भी माने जाते हैं। अंग राज्य जीत कर अजात शत्रु अपने पुत्र को वहाँ का उपराजा बनाया था, और उनका सबसे बड़ा पुत्र था दशरथ। बुद्ध के सबसे विरोधी थे देवव्रत। देवव्रत की बातों में आकर अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, और दुखी होकर कौशल की रानी कौशला देवी की भी मृत्यु हो गई। अजात शत्रु का बचपन का नाम था कुणिक। वो अंग राज्य के उपराजा थे। बुद्ध और महावीर के समकालीन उन्हें माना जाता है। ईसा पूर्व 483 में बौद्ध धर्म की प्रथम सभा महाकश्यप की आगेवानी में मिली थी। अजातशत्रु धर्म के सभी धर्म में रिस्पेक्ट करता था, जैसे कि बौद्ध और जैन। प्रथम सभा जो मिली थी वो थी वैवार पर्वत की सप्तपर्णी गुफा, ईसा पूर्व 483 में। 9 स्तूपों में सबसे मूल स्तूप कुशीनगर में है। यह सभा अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष में मिली थी। अजातशत्रु का पुत्र उदयन, उदयन की माता का नाम पद्मावती, उदयन चंपा राज्य का उपराजा था। अपने पिता की हत्या करके उदयन राजा बना। उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र एक नगर बसाया जो गंगा और सोन के संगम पर है। उदयन की अवंती अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, और उसके 3 पुत्र थे अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। नागदशक जो था वो अंतिम हर्यक राजा, हर्यक वंश का राजा गिन सकते हैं।